फेवरेट मसला है, ये सारी उम्र झूठे कुरान उठाता रहेगा, ये इसका फेवरेट मसला भी कहेगा कुरान पाक ले आओ, मैं कसम खाता हूं मैं वापस आ रहा हूं, ना करो ना, मैं बात करूं मुझे बात मुकम्मल करने दें, अपनी बात पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे बात कीजिएगा, ये बात कह दो, ये जो कह रहे हो वो बताया करो तो चाचो, ये बड़ी अजय साहब, अजय साहब अमेरिकी उठ के आगे, उठ के कौन आगे, जो बर्तानिया के लोग उठ के आगे, लेकिन पजीरा फिर नहीं मिल रही, कमाल की बात ये है, एक जलसा सिर्फ क्या, अच्छा जलसे के बाद क्या किया, वो चले गए जनाब चैंबर ऑफ कॉमर्स, जाए बाहर निकले यार लोगों में जाकर, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन का माहौल बनाए, वो शेर अगर अंदर बांधता है ना तो उसके लोगों को जलसा करने दे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं, अगर इतनी पजीरा ही मिलती ना नवाज शरीफ साहब को तो लाहौर के जलसे में 10% लोकल लोग और बाकी लोग ना होते हैं, जब ना मिला एमक्यू को लाके झोली में बिठा दिया गया, नहीं तो उसके बाप के पास चले गए, वहां पर बाप के पास चले गए, कोई एक जलसा बता दें, आप बताएं अपने ईमानदारी से बताइएगा क्या ऐसा ग्राउंड मिल रहा है कि पाकिस्तान को भाई आप फील्ड तो देना करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप इन्वेस्टिगेशन करें इंक्वायरी करें जो मर्जी करें, लेकिन भाई उसको मैदान में तो उतरने दें, और मैं अब इलेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं, इमरान खान को जब तक ये किसी केस में सजा देकर आप दोबारा अंदर नहीं रखते ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन समझा कि शायद आपने वो मेरे सामने कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर बिठा दिया है जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया है, एक एक एविडेंस उसके पास है, इनके पास पता नहीं डॉक्यूमेंट कहां से आ जाता है, कौन शेयर कर देता है, एक एक चीज इस तरह शेयर करते हैं कि जैसे ये खुद बैठकर वहां पर करते हैं, पैसे थे मलिक रियाज के उनके थे, उन्होंने अपने पैसे पाकिस्तान वापस ले आए, दैट्स ऑल, और उसमें क्या है, और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, जो मकसद है इन इंटरव्यूज का क्या वो अचीव हो पा रहा है, क्योंकि लोगों में ये इंप्रेशन पाया जाता है कि अगर ये इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो जोर जबरदस्ती के तहत दे रहे हैं, ये दिल से नहीं दे रहे, नहीं अगर जोर जबरदस्ती है तो मुझे बताएं 2018 से लेके 2022 तक मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों ने इंटरव्यूज दिए, क्या प्रेशर है, तो ये मुस्लिम लीग नून कैसे प्रेशर में सस्टेन कर गई, हमारे लोग क्यों नहीं टूटे, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इधर फवाद चौधरी अल्लाह माफ करे वो दौड़े मीलों दौड़ लगा के पता नहीं दीवार फलाम के गिरता लुढ़कता कहां पहुंच जाता है लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाइव शो में PTI के सीनियर वकील अज़हर सिद्दीक ने कहा कि नवाज शरीफ को फुल प्रोटोकॉल तो दिया गया मगर नवाज शरीफ को आवाम में पज़ीराई नहीं मिल रही, जबकि इमरान खान को बंद करके भी इन्होंने देख लिया, इमरान खान की मकबूलियत कम होने का नाम ही नहीं ले रही बल्कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अज़हर सिद्दीक ने आज लाइव शो में नून लीग के चेले अता तारड़ को ऐसा जलील किया कि मज़ा आ गया, आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। छोड़ के जा रहे थे बात वहां तक थी, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे बात वहां तक थी, लेकिन उसके बाद ये जो खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आया, मेरे ख्याल में अताउल्लाह ताड़ साहब का इशारा उसी तरफ था कि रियासत मदीना का दावेदार जो है उसकी अपनी जाती जिंदगी के हवाले से जो फैक्ट्स अब बाहर आए हैं तो वो शख्स जो है रियासत मदीना का दावा किस तरह कर सकता है उसको कायम करने के हवाले से, आप नहीं समझते कि इससे एक्चुअली इमरान खान साहब को काफी हद तक बड़ा डेंट लगा है इस इंटरव्यू के बाद? अच्छा मैं पहले जरा एक छोटी सी बात कर लूं, बहुत शुक्रिया आरमा भाई, मंसूर भाई, चले अब शादिब खानजादा और खावर मानका ने इमरान खान की मकबूलियत को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है चले छोड़े अब इलेक्शन तो करा लेना जी, तबाह बर्बाद, इलेक्शन तो हो रहे हैं सर, अब ना मैं अभी मैं आपके सामने केस रखूंगा बताऊंगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, मैं जबरदस्त एक ट्वीट किया था मैं आपकी गोश्त, एक मिनट ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप हमें कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मैं आपके सामने भी रखने लगा हूं ना, मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए, गो अहेड गो अहेड, पूछो चमन पे क्या गुजरी, हम गुजर कर खजां से आए हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे हालात का सामना ना करवाए जिसका सामना खावर मानिका को करना पड़े, एक शख्स तलाक के बाद साबका बीवी के किरदार और पाकीज़गी की कसम खाने वाला, ना जाने किस बर्बरियत का शिकार हुआ कि उसके किरदार पर झूठ का कीचड़ उछालना पड़ा, अल्लाह ताला इस कौम को मजीद पस्ती में गिरने से पना दे और जुल्म करने वालों को हदायत दे। देखिये मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है इस बात का कि एक घर की जिंदगी अगर सच है आपने डेफामेशन, अगर आप जो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, आका दो जहां हुजूर नबी अकरम की हदीस मुबारक है, आपने बगैर किसी दूसरे फर्द को बिठाए, बगैर किसी दूसरे आदमी को लेके चले, किसी तीसरे घर का कोई और फर्द भी आ सकता था, आप ये इंटरव्यू करते अच्छा नहीं लगा, मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इमरान खान साहब के दौर में मैं चूंकि जितनी मेरी अटैचमेंट रही है एवन फील्ड के केसेज इमरान खान ने नहीं बनाए थे, उनसे पहले जितनी एविडेंस आई थी चीजें सारी वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। एफेड्रिन अबासी का केस अगर ये था, हनीफ अबासी का केस, तो इमरान खान नहीं बनाया था। हाँ राणा सनाउला वाला केस जिन्होंने बनाया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आप सब लोगों को बताना चाहिए, मैं उन बातों में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं बात बड़ी सीधी सी रखना चाहता हूँ आपके सामने, ये सारा कुछ हो गया तबाह बर्बाद कर दिया आपने, लेकिन उसकी तो आप अंदाजा लगाए मकबूलियत कम नहीं हो रही, यानी एक कन्विक्टेड आदमी को जो मुल्क से बाहर चला गया, चार साल क्या अयाशियां करता रहा या जो कुछ भी उसने लाइफ वहां गुजारी, मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहूंगा, किसी आदमी को इल्जाम लगा रहा है ना तो भाई अदालतें मौजूद हैं, ये टीवी पे इल्जाम तो हम काफी अर्से सुनते आए, मुझे बता देना कोई अभी तक ये केस मटेरियलाइज हुआ है, 9 मई के इल्जाम तक मटेरियलाइज हुआ है,
कंटेम कर रहे हैं सारे वाक्यों को। अच्छा उसमें अबैटमेंट, अच्छा मैं तो पहले समझा कि शायद आपने वो मेरे सामने कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर बिठा दिया है जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया है, एक एक एविडेंस उसके पास है, इनके पास पता नहीं डॉक्यूमेंट कहां से आ जाता है, कौन शेयर कर देता है, एक एक चीज इस तरह शेयर करते हैं कि जैसे ये खुद बैठकर वहां कर करते हैं। उन चीजों की तरफ मेरा बिल्कुल इस वक्त मूड नहीं है। मैं बड़ी सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ सर्टन प्रिंसिपल सेट कर लें, सोसाइटल वैल्यूज, मेरे मुआशरे की इकदार सेट कर लें। आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, उस बंदे ने बड़े काम किए हैं, रहमतुल आलमीन ट्रस्ट, मेरा गरीबों के लिए क्या किया, हेल्थ कार्ड, यानी ये तो तारीख बता रही है ना, यानी मैं कहता हूं ये सारा कुछ कर लिया ना, अब क्या रह गया। अच्छा कोई और इंटरव्यू, अच्छा ले आए वो भी इंटरव्यू। सवाल ये है कि अगर इतनी पजीराई मिलती ना नवाज शरीफ साहब को, तो लाहौर के जलसे में 10% लोकल लोग और बाकी लोग ना होते हैं। जब ना मिला एमक्यू को लाके झोली में बिठा दिया गया, नहीं तो उठ के बाप के पास चले गए, वहां पर बाप के पास चले गए बलोचिस्तान के अंदर, वहां भी कुछ ना हुआ तो फिर कौन आ गए, अमरीकी उठ के कौन आ गए, जो बर्तानिया के लोग उठ के आ गए, लेकिन पजीरा फिर नहीं मिल रही। कमाल की बात यह है, एक जलसा सिर्फ क्या, अच्छा जलसे के बाद क्या किया, वो चले गए जनाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जाए बाहर निकले यार लोगों में जाकर, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन का माहौल बनाए। वो शेर अगर अंदर बांधता है ना तो उसके लोगों को जलसा करने दें, लेवल प्ले फील्ड नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं। कोई एक जलसा बता दें, आप बताएं, आपने ईमानदारी से बताइएगा क्या ऐसा ग्राउंड मिल रहा है कि पाकिस्तान वो भाई आप फील्ड को देना करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा आप इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, जो मर्जी करें, लेकिन भाई उसको मैदान में तो उतरने दें। और मैं अब इलेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं, देखिए अब क्या हो गया है, आपको पता है 52 दिन का टाइम है शेड्यूल देने का, 8 फरवरी से, तो आपकी तकरीबन 11 दिसंबर के करीब जो है ना इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अपील तो उन्होंने मंडे को लगवा ली है ताकि उससे पहले पहले जो भी है वो बरियत हो जाए और इलेक्शन शेड्यूल अपना वो नाहली वाला मामला खत्म होकर नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर। अब इमरान खान के अगेंस्ट सिर्फ एक नाहली है, वो तोशाखाना की अपील है, तोशाखाना की अपील में नोटिस हो चुका हुआ है अपना नाहली के हवाले से, और वो अपील कुछ नहीं है और अपील वो हमारी जीती हुई है बड़ा वादे तौर पर जुरिस्डिक्शनल इशू के ऊपर। तो आगे केस कोई नहीं है, केस कौन सा था, ये साइफर का केस था जिसकी बुनियाद पर बड़ी जल्दी जल्दी ट्रायल चलाकर और नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने से पहले नाहल कराना था। अब कोई ऐसी चीज ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं है और हमारी पूरी कोशिश है कि तोशाखाना का केस मेरिट पे डेढ़ चल के जो है ना वो काम खत्म, तो नाहली खत्म हो जाएगी। अब ये क्या होगा, अपना मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, इलेक्शन कराने की बुनियाद डिले करने की बुनियाद रख दी है ना, तो आप भी यहाँ पर मौजूद है, मैं भी यहाँ तक मौजूद हूँ। इमरान खान को जब तक ये किसी केस में सजा देकर आप दोबारा अंदर नहीं रखते, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन यानी आपका अगर ये ना हुआ तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे आपके फरमा रहे हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमरान, आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। ओके तारड़ साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सर, ये आप क्योंकि जारी बात है जो इंटरव्यूज और थोड़े पहले जब आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था, अब आपको अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला है जो तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टर वोटर हो और वो ये कहे कि जनाब ये जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उस्मान डार का मैंने इंटरव्यू देखा है, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू मैंने देखा है, मैंने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है, मैंने शेख रशीद का इंटरव्यू देखा है, और अब मैंने फैसला किया कि अब मैं पीटीआई को वोट नहीं दूंगा और अब मैं इस मरतबा जो है मैं नून लीग को वोट दूंगा, आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई? देखिए 9 मई के बाद बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने वाली जमात की हिमायत नहीं की जा सकती, और जो दुश्मनों के ख्वाब को पूरा करे, जो सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करें, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं। अच्छा। और देखिए ये आज की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे इन्होंने मामलात किए हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। तोशाखाना के केस के बाद मुझे एक साहब मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो ख्याल था कि ये झूठा केस है, मगर जब इमरान खान ने अदालत में ये बात मान ली कि ये घड़ियां मैंने ली हैं और मैंने बेची हैं, तो मैंने कौन सा जुर्म किया है, तो हमें तब पता लगा कि ये घड़ियां ली गई हैं और फिर इसको मुनाफे के लिए बेचा गया है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोगों पे इंपैक्ट होता है इन चीजों का। हाँ, जिस कल्ट फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, जो प्राइड लेते हैं टेरियन वाइट में या प्राइड लेते हैं ऐसे मामलात में, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जमीर की आवाज पे ये कहते हैं कि हम इन चीजों की सपोर्ट जारी नहीं रख सकते। अब ये इलेक्शनों पर नई एक पहले मियां साहब की वापसी पर इन्होंने खदशात का इजहार किया और कहा मियां साहब वापस नहीं आ रहे और मैं वापस आ रहा हूं, और वो मियां साहब तो आ गए, ये वहीं के वहीं बैठे हैं। अब ये इलेक्शन के हवाले से इनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन का शेड्यूल हलका बंदियों की फाइनलाइजेशन यानी 30 नवंबर के बाद आएगा, उससे पहले आ नहीं सकता क्योंकि हलके फाइनलिटी अटेन नहीं किए होते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, अब नया भाव पैदा कर दें, ये लोग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके। अच्छा। ये लोग झूठ पे मबनी एक बयानिया है जिसको परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो साइफर के केस को नहीं मानते, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जो मलिक रियाज की 190 मिलियन के डाके को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि इमरान खान ने सहूलतकारी की वो 190 मिलियन पाउंड के केस में, कल सुप्रीम कोर्ट में लगा है, लगेगा पता कि कितनी किस्तें जमा कराई हैं कितनी नहीं कराई, इस काम के लिए भी दलेरी चाहिए क्योंकि इस मुल्क में मलिक रियाज साहब के खिलाफ बात करना जुर्म बन गया है, मैं चैनल पर जाता हूं म्यूट कर दिया जाता हूं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कर सकते कि आप टीवी पे इंटरव्यूज दें कि जी हमारे तो घर का खर्चा नहीं चलता। साहब एक सिर्फ मैं चीज ऐड कर दूं कि हमारे चैनल में और हमारे इस प्रोग्राम में आप जितनी मर्जी दफा मलिक रियाज का नाम लें, यहाँ पे आपको म्यूट नहीं किया जाएगा। वेरी काइंड। दूसरी बात ये, मेरा शुक्रगुजार हूं जी, मेरा दूसरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो मकसद है इन इंटरव्यूज का, क्या वो अचीव हो पा रहा है, क्योंकि
लोगों में ये इंप्रेशन पाया जाता है कि अगर ये इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो जोर जबरदस्ती के तहत दे रहे हैं, ये दिल से नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से उसकी जो अफादियत है मेरी नजर में वो खत्म होती नजर आ रही है। नहीं, अगर जोर जबरदस्ती है तो मुझे बताएं 2018 से लेके 2022 तक मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों ने इंटरव्यूज दिए, या मुस्लिम लीग नून छोड़ी, या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या जब राणा सनाउल्लाह को सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया था उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, या कहा था मुझे दवाई दे दो मगर मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करा लो? ये कोई बहाना नहीं है। ये जो तासर दिया जा रहा है ना कि ये सब करवाया जा रहा है और पता नहीं क्या प्रेशर है, अल्लाह से डर के कहता हूं कि ये ऐसे नौसरबाज हैं कि ठट्ठे, चलो जी कुरान ले आओ बीच में, इसका फेवरेट मसला है, ये सारी उम्र झूठे कुरान उठाता रहेगा, ये इसका फेवरेट मसला अभी कहेगा कुरान पाक ले आओ, मैं कसम खाता मैं वापस आ रहा हूं, ना करो ना, मैं बात करूं, मुझे बात मुकम्मल करने दें, अपनी बात पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। आप प्लीज अपनी बारी में बात कीजिएगा, पहले उनकी बात कंप्लीट हो लेते हैं, देन आई विल कम टू यू। जी तार साहब, देखिए बात यह है कि आप किसी पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, ये कुरान को हर बात बीच में ले आते हैं, एक गंदी सियासत के लिए, एक अपनी जाती प्रमोशन के लिए, लास्ट टाइम भी पता नहीं किस बात पे उन्होंने कुरान उठा लिया था, ये वापस तो आए नहीं है कसमें खा के वादे करके, तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मजहब को मत लाए इस चीज के अंदर, मगर बात यह है कि कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता, ये तासर गलत है कि पता नहीं क्या प्रेशर है, तो ये मुस्लिम लीग नून कैसे प्रेशर में सस्टेन कर गई, हमारे लोग क्यों नहीं टूटे, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इधर फवाद चौधरी अल्लाह माफ करे वो दौड़े मीलों दौड़ लगा के पता नहीं दीवार फलांग के गिरता लुढ़कता कहां पहुंच जाता है। अच्छा साहब, ये तो वाकई एक कंपैरिजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ करती है कि हमने बहुत अजियतें बर्दाश्त की, हमने भी जेलें देखी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जॉक दर जॉक जो है वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं। अच्छा, अब मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन एक चुके उन्होंने मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बात की है, मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि शायद अंदाजा नहीं है इस बात का। मलिक रियाज साहब का, चूंकि मैं वकील भी हूं और मैं कई केसेस उनके देखता रहा हूं, 460 अरब रुपया किस बात का दिया? एक कौड़ियों के भाव जमीन, यानी जो रॉ लैंड थी, जो 5 लाख रुपए एकड़ थी, 1 करोड़ रुपया कनाल पे। अब ये समझने की बातें हैं, और जो वो पैसे जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला कि जनाब वो पैसे हैं वो मेरे पास, अभी ये आप कहेंगे तो मैं शेयर कर देता हूँ, 22 नवंबर 2019 का नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर है भाई, वो पैसे वो वापस दे रहे हैं, यानी डीफ्रीज कर रहे हैं भाई मलिक रियाज की अपनी अमाउंट, या कौन से मुल्क की कौम है? मेरा सवाल है कि ये जो पैसा जो मलिक रियाज साहब क्या कॉन्ट्रैक्टर थे? क्या उन्होंने रिश्वतें ली? क्या उन्होंने, यानी कि कौन सा पैसा? ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं नहीं जब जाना चाहता, चूंकि मलिक रियाज साहब को बंदा यहाँ नहीं बैठा, मैं नहीं, बस ये क्लियर कर दूं आपको। और दूसरी बात जो है ना, वहां ये सिविल लाइबिलिटी है, पैसे थे मलिक रियाज के, उनके थे, उन्होंने अपने पैसे पाकिस्तान वापस ले आए, दैट्स ऑल। और उसमें क्या है? और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? और अगर क्याम किया तो पूरी उनकी काबीना ने किया है, और ये वैसे भी नैब में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सारा कुछ सामने आ जाएगा। अब आ जाए अगली बातों की तरफ, जो स्पेसिफिक सवाल जो है ना, देखिये मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रख दूं, अपना मंसूर भाई, आपको पता है कि इनकी जब रिमांड होते थे ना, डिटेंशन, तो इनके प्रोडक्शन आर्डर आया करते थे, मैंने चैलेंज किए हुए सारे, किसने कहा है? जो सहूलियत इनको मिलती थी, जो मरियम नवाज को सहूलियत, किसने कहा है? वीआईपी सहूलियत ये लोगों ने एंजॉय की है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का देखिए, एक केस से पकड़े दूसरे को, इस तरह की तारीख बता देना, यानी चौधरी परवेज ने क्या काम किया? अगर करप्शन किया तो करप्शन में रखे, करप्शन में जमानतें हो रही है कभी एक केस, यानी अभी तक 6 महीनों में आपने कितने केसेज उठाकर देख लिए हैं? यानी ये एक सवाल, और क्या हुआ है इस पे? मैं नहीं कह रहा, हमारी कोर्टों ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यानी डिटेंशन ऑर्डर आते रहे, यानी इस तरह का रवैया होता रहा है। खुदा रहा, कम से कम इंसान बात करते हुए सच बोले, बात कुरान की नहीं है, सोसाइटल वैल्यू की है, रब को हाजिर नाले जान के सच बोलना चाहिए। बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अवाम में ये जलसा करने के लिए बाहर निकले तो जो इन्होंने 16 माह में अवाम की दुर्गत बनाई है, इसके बाद अब अवाम इनको जुतियाँ मारेंगे। यही वजह है कि ये ना खुद जलसा करते हैं और ना ही इमरान खान को जलसा करने की इजाज़त दे रहे हैं, ताकि कहीं ये हकीकत सबके सामने ना आ जाए कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। लेकिन ये बात अवाम बखूबी जानते हैं, इसलिए अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।